दूसरे दिन का आगाज़ करने लगे हम इंशाल्लाह। ये हम कश्मीर में एरिया है नाड़, वहाँ से हम निकल रहे हैं और अब नदीम भाई स्टार्ट है। चलो फिर नाश्ता करने रुकने लगे हैं। यहाँ से हम नाश्ता करेंगे, अंडा पराठा और चाय। अचार तारीख है ना? हाँ। और अंडा पराठा नाश्ता चाय करके हम जाएंगे थ्रोची फोर्ट। थ्रोची फोर्ट से फिर हम इंशाल्लाह जाएंगे। रास्ते में वाटरफॉल मिली है हमें, बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल है। और ये इस वाटरफॉल पे जाने के लिए इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है स्लाइडिंग के लिए डोली बनाई हुई है। और खलील साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस वाटरफॉल के बारे में कि कितनी बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, जबरदस्त। ये कश्मीर के कुदरती नज़ारे हैं, ये किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ नज़ारा है। ये कोई आदमी नहीं है, नहीं तो हम लोगों ने इसके ऊपर डोली पे बैठ के नीचे जाना ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर जाना था। वो उस तरफ से दरिया आ रहा है और ये जो वाटरफॉल है ना, ये एक छोटी सी वाटरफॉल है, पीछे उससे ये पानी सारा इकट्ठा होता है यहाँ पर और फिर आगे दरिया के साथ वो सामने से मैच होता है। जगह से पानी गिर रहा है, उधर से गिर रहा है। फैसल भाई, ये फैसल भाई कश्मीर जाते हुए ये इन्होंने तत्ता पानी देखना, वहाँ पे आज अंडे उबाल के खाने हैं। और ये खलील साहब है, ये उन्होंने वहाँ पे भाप लेनी है गर्म पानी की, इनको फ्लू बहुत हुआ है, तंग बहुत करता दिन रात। ये कश्मीर है, खूबसूरत कश्मीर का इस एरिया का नाम है नाड़। यहाँ हम नाड़ में बैठे हुए हैं और ये नदीम भाई हैं। नदीम भाई आप क्या कहना चाहते हैं कश्मीर के बारे में कि कश्मीर कैसा है? जन्नत है। और यहाँ के हालात कैसे हैं? जबरदस्त है, वन किसी किस्म का कोई मसला हुआ मेरे हाथ को? मसला नहीं है, जैसे मर्जी घूमो फिरो, जैसे मर्जी घूमे फिरे, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। और बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। Thank you.
अली अकबर। तो इसको थ्रोची के हुए थे, ये गांव है थ्रोची, गांव का नाम थ्रोची। ठीक है, चलें ऊपर, चलो अब या अब हम इधर बाइक्स खड़ी करके ऊपर गुलपुर फोर्ट पे जा रहे हैं। ये थ्रोची गांव है, थ्रोची गांव में जो है ना ये गुलपुर फोर्ट है, वो सामने ऊपर नजर आ रहा होगा भाई का भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये भाईजान है, भाईजान आपका नाम क्या है? मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक, आप इधर की रहायशी हैं? ये इधर की रहायशी है। कैसी जगह है ये भाईजान? बहुत खूबसूरत जगह है, आना चाहिए लोगों को यहाँ पे। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल सेफ जगह है, कोई किसी किस्म का यहाँ मसला नहीं है। रात को स्टे करने के लिए भी यहाँ पे जगह मिल जाती है, मजार में मिल जाते हैं होटल। ठीक है मेहरबानी सर। ये बाइक्स खड़ी करके अब हम ऊपर फोर्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी पैदल ट्रैकिंग है, 15 मिनट का रास्ता है। वो ऊपर फोर्ट है। हाँ, फोर्ट के ऊपर तस्वीर देखते हैं। और मस्जिद का जिक्र भी करना, दरबार का भी करना। ये मस्जिद है सामने, लाइट जो ऑफ है, वीडियो बंद हो गई है। लाइट ऑफ हो गई है, वीडियो बंद रही है। चल रही है यार, इधर से ये रास्ता। अस्सलाम वालेकुम। बैटरी लो, यही जाएगा? बैटरी लो हो गई है भी, हमारे कैमरे की बैटरी लो हो गई है। कोशिश करेंगे कि हम लोग ऊपर तक जा दें और बाकी के स्नैप्स जो हैं हम इनके साथ शेयर करेंगे। वो बैटरी यार बिल्कुल ख़त्म हो गई, 2% रह गई है। भाई अंडे उबालने लगे हैं, उधर से आओ। पानी बहुत गर्म है, ये पानी में से भाप निकल रही है, पानी अच्छा खासा गर्म पानी है।